हेलो एवरीवन वन माई सेल्फ अंशुल दिमांड एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल एजुकेशन हब सो गाइस आज की मेरी इस वीडियो में मैं हमेशा की तरह आपके लिए ऐसे का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक टॉपिक लेकर आई हूँ आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड यानी कि जो हाथ झूला जुला झुलाता है वो एक दिन सारी दुनिया पर राज करता है कहा जाए तो इस ऐसे में जो हमें एक हमारा जो मोटिव है वो है रोल ऑफ अ मदर इन अपब्रिंगिंग अ चाइल्ड यानी कि एक माँ का क्या रोल होता है है ना तो उसको जो है हम इसमें शो करना है सो आई होप ये ऐसे आपके लिए हेल्पफुल होगा इससे आपको आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा कुछ अच्छी हेल्प मिलेगी तो मेरा आपके लिए ये ऐसे लेकर आने का बस एक यही मोटिवेट मोटिव है कि आपको जो है थोड़ी हिंट मिल जाए आपके ऐसे के लिए अच्छी किस तरीके से आप उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं एक लाइन्स अट्रैक्टिव आपको मिल जाएंगी सो so, इस ऐसे को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यह ऐसे पसंद आए या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर जो भी आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऐसे

एनी वन कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट इन दमेशन ऑफ हिज पर्सनैलिटी दैन इट इज हिज मदर दैट्स वाई इट इज फेमस दैट अ चाइल्ड फर्स्ट टीचर इज दियर मदर यानी कि एक बच्चे की जो प्रथम गुरु होती है वो उसकी माही होती है इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज बर्थ द चाइल्ड एक्वायर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सोसाइटी कंट्री एंड वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ हिज पेरेंट्स एंड फैमिली Based on this information, he starts dealing with other people and then his personality is formed. As a child grows up over time, another important factor in his development, apart from the parents, is added in the form of his teacher. It's only through a guru or teacher that a child acquires accurate and theoretical knowledge about his country and society and then grows up to experience his practical experience. On the basis of the above discussion, this fact is universally accepted that in the running of this country, society, and the world, the people who bring up con, mother, father, guru, environment, indirectly have the most important contribution because one day the same child behaves on the basis of the quality and knowledge learned by his parents and teachers, whose wide impact is visible in building a progressive society. इफ वी ट्राई टू इन्वेस्टिगेट दिज एग्जाम्पल्स डीपली इन अवर सोसाइटी देन दे विलउंडर्स यानी कि अगर हम इन एग्जाम्पल को जो है अपने डीपली अगर हमारी सोसाइटी में इन्वेस्टिगेट करें तो वो हमारे चारों तरफ हमारा जो वातावरण है उसमें ईजीली हमें देखने को मिल जाएंगे द मोटो ऑफ मुंडोनि शब्द अ पार्ट ऑफ अवर उपनिषद विच हैज बीन ऑफ अवर सोसाइटी सिंस एनशियट टाइम इस सत्य में व जयते

of the hand so on matter what the situation the five of you never leave each others side this valuable contribution of unity provided by makunti was borne by the five rodes even in the adverse circumstances and then finally in the mahasangram also the subject she was achieved similarly the valuable contribution of his mother पुतली बाई इन द क्रिएशन ऑफ अवर फादर ऑफ द नेशन यानी कि देखिए जो पांडव थे उनका भी जो रोल मॉडल कह सकते हैं जिसको हम वो मदर थी और गांधी जी के लिए भी उनकी मां का जो है है बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसमें ऑफ मदर इन द क्रिएशन ऑफ अवर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी इट हैज बीन महात्मा गांधी हिमसेल्फ हैज रिटन इन मैनी ऑफ हिज आर्टिकल्स गांधी जी इज फेवरेट हम वैष्णव तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे ये आप सभी ने सुना होगा टू ही शुड लर्न फ्रॉम हिज ब्रदर एंड वाज फाउंड इन टाइम दिस स्टार्टेड मोटिवेटिंग हिम टू अंडरस्टैंड हिज पेन इवन द सफरिंग ऑफ अदर्स एंड इंस्पायर टू क्रिएट सच ह्यूज मास मूवमेंट ऑफ फ्रीडम डेड दस दिस फैक्ट कैन बी क्लियरली एक्सेप्टेड दैट द मैनेजमेंट ऑफ एनी कंट्री सोसाइटी इज कंसर्न विद It's upbringing. But if we look at the present form of our country and society, then we see that in this modern era of digital revolution, we are looking for the contributions, contributors who show the condition of the society. Then up last major conclusion, mein likhenge, take some time out of your busy routine for your children and invest them in building their good conduct. Because only then our society can be free from the spirit of caste, religion, etc. सो गाइज़ आई होप ये ऐसे जो है आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा है और आपको इससे कुछ अच्छे हिंट कुछ अच्छी अट्रैक्टिव लाइन्स मिल गई होगी आपकी कॉम्पिटिशन के लिए कुछ अच्छे आइडियाज़ मिल गए होंगे तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो गाइज़ प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मुझे अपने अंशु को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जिससे कि जो है मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट होती रहूं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या मेरे चैनल पर प्रोवाइड कराए गए किसी भी कंटेंट की पीडीएफ चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है एजो हबीद के नेम से आप जल्दी से जाके सर्च करके मुझे फॉलो कीजिए वहाँ पर आपको मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके बताना होगा कि आपको किस कंटेंट की पीडीएफ चाहिए वहाँ पर मैं आपको जो है विदाउट एनी कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी बस आप अपनी कॉस्ट यही समझ लिया कीजिए कि आप मुझे ऐसे ही कंटिन्यू सपोर्ट करते रहें जिससे कि मेरा चैनल ऐसे ही ग्रो करता रहे आपकी जो है हेल्प से और आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन से सो so, अब अगर आपको पी चाहिए और ऐसे पसंद आया है तो जल्दी से जाके मुझे टेक्स्ट कर दीजिए वहाँ पर मैं आपको पी प्रोवाइड करा दूंगी और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे कोई भी कंटेंट चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच